उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज सपलोडी व भट्टी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों गुलदार के हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। पूर्व सीएम ने गुलदार के हमले से मारी गई सुषमा देवी के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि बड़ा दुखद है कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सपलोड़ी और भट्टी गांव में 3 से 4 गुलदार सक्रिय हैं, जिसके कारण ग्रामीण खेतों में जाने से भी कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह वन विभाग से गुलदार की दहशत से निजात दिलाने पिंजरा व रात को गश्त की मांग करेंगे। वहीं वन कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और वन विभाग को मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने चाहिए, वरना ग्रामीण गुलदार की दहशत के बीच गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। और गांव-गांव में ये बड़े भय की स्थिति पैदा हो गई है। वृद्धजनों के ऊपर जिस तरीके से बाघ हमलावर है, उससे और बच्चों के ऊपर, इससे एक हर गांव डरा हुआ है और हर वो परिवार डरा हुआ है जिनके बुजुर्ग लोग गाँव के अंदर है। यदि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती गई तो हमारे गाँवों से पलायन और ज़्यादा तेज हो जाएगा। लोग कैसे अपने माँ बाप को असुरक्षित घर में छोड़ेंगे, परिवार में घर का दरवाज़ा खोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा, तो ये बड़ा भारी खतरा है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उनके देवर है या स्पंजी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, ये सब लोगों को, इन परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, उन तक अपनी सांत्वना, अपना और सभी लोगों की सांत्वना उन तक प्रेषित कर।